नेहरू के जेल जाने का एक किस्सा सुनिए। 1923 में अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को पंजाब की नाभा जेल भेज दिया था। नाभा जेल, सेल्यूलर जेल नहीं थी। नाभा में नेहरू एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। जेल के ऐसे कठिन हालात थे कि 2 हफ्ते भी नेहरू जेल में नहीं रुके। नेहरू की रिहाई के लिए उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने तत्कालीन वायसराय को चिट्ठी लिखी, नेहरू की रिहाई के लिए बॉन्ड साइन किया, यह शपथ दिलाई कि नेहरू कभी नाभा में कदम नहीं रखेंगे, नाभा में आएंगे ही नहीं, लिख के दे दिया बॉन्ड में। और 12 दिन में नेहरू की नाभा जेल से रिहाई हो गई। 12 दिन नाभा जेल, और वो जो सेल्यूलर जेल में 9 साल 10 महीने रहे, उन पर सवाल खड़े करने वाले लोग इन्हीं के आसपास से आते। नेहरू ने अपनी किताब एन ऑटोबायोग्राफी में नाभा जेल के किस्से के बारे में खुद लिखा है। नेहरू जी ने लिखा कि मेरे पिता नाभा में मेरी गिरफ्तारी से बहुत परेशान थे। गिरफ्तारी की खबर से बेचैन होकर उन्होंने वायसराय को टेलीग्राम कर दिया। हम में से 3 लोग छूट गए, लेकिन एक चौथा व्यक्ति था जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं चल पाया कि उसका क्या हुआ। बहुत मुमकिन था कि वो जेल से ना छूटा, क्योंकि उसके कोई बड़ी जान पहचान नहीं और ताकतवर दोस्त नहीं। बड़ी जान पहचान, ताकतवर दोस्त के जरिए 12 दिन में जेल से बाहर आ जाने वाले लोगों के परिवार के लोग 9 साल 10 महीने सेल्यूलर जेल में जानवरों की तरह पीटे जाने, व्यवहार उनके साथ होता था, वो सब सहने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि तुमने माफीनामा क्यों लिख दिया। और मैंने अभी आपको बताया कि बिस्मिल साहब ने भी लिखा था माफीनामा। ये उस वक्त चल रहा था कि अंग्रेजों के जेल में सड़ने से अच्छा है बाहर आओ। योर ओबीडियंट सर्वेंट लिख दिया तो वीर सावरकर को नौकर बता दिया। महात्मा गांधी ने लिखा तो, अब्राहम लिंकन ने लिखा तो। आपको दिखाता हूं कि महात्मा गांधी की वो चिट्ठी जिसमें वो क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये 22 जून 1920 में लिखा महात्मा गांधी का लेटर है, जो उन्होंने उस समय के वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखा था। और जरा इस लाइन को पढ़िए, ये चिट्ठी है, कई पन्नों की चिट्ठी है। इसके आखिर में लिखा है, आई हैव द ऑनर टू रिमेन योर एक्सेलेंसीज ओबीडियंट सर्वेंट एम के गांधी। तो कोई राहुल गांधी जी की परिभाषा से चलेगा तो इसका अनुवाद राहुल गांधी वाली परिभाषा से यह होगा कि मैं आपका जीवन भर नौकर रहना चाहता हूं, एम के गांधी। ये राहुल गांधी वाली परिभाषा। अभी इसका असली परिभाषा क्या है, ये क्यों लिखा उन्होंने, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये एम के गांधी लिख रहे हैं, आई हैव द ऑनर टू रिमेन योर एक्सेलेंसीज ओबीडियंट सर्वेंट, यानी मुझे ये सम्मान की बात है कि मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट रहा। महात्मा गांधी लिख रहे हैं चिट्ठी, महात्मा गांधी। राहुल गांधी सावरकर की चिट्ठी दिखा रहे थे ना, वीर सावरकर की। कोई दिखाए चिट्ठी पूछे इसका मतलब क्या है, नौकर होना होता है क्या? राहुल गांधी के हिसाब से तो ओबीडियंट सर्वेंट का मतलब नौकर होना होता है, तो फिर ये क्या? इसमें तो कह रहे हैं कि मुझे ऑनर महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट। अब एक और लेटर दिखाता हूं, यह भी महात्मा गांधी ने लिखा है। यह लेटर महात्मा गांधी ने फरवरी 1920 में ड्यूक ऑफ कनॉट को लिखा, जो ब्रिटिश राजघराने का प्रमुख सदस्य होता था। उसको गांधी जी क्या लिख रहे हैं, पीछे पढ़िए। I beg to remain your royal highness faithful servant M.K. गांधी। मैं आपका विश्वासजनक सर्वेंट रहना चाहता हूं, मोहनदास करमचंद गांधी। अब फेथफुल सर्वेंट का मतलब राहुल गांधी की परिभाषा में होता है विश्वास करने योग्य नौकर। महात्मा गांधी नौकर थे क्या? राहुल जी क्या कह रहे हैं आप, राष्ट्रपिता को नौकर, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? आपके मन में यह सवाल आएगा क्या राहुल जी, यह पढ़कर, जैसा वीर सावरकर की चिट्ठी पढ़कर आया था? अब चिट्ठी नंबर 3 देखिए, इसमें महात्मा गांधी अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य का शुभचिंतक बता रहे हैं। यह आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं, आई पुट माई लाइफ इन पेरिल 4 times फॉर द सेक ऑफ द एम्पायर। राहुल गांधी कह रहे थे ना कि वीर सावरकर अंग्रेजों के लिए काम करते थे, तो इसका क्या मतलब हुआ? महात्मा गांधी खुद लिख रहे हैं कि मैंने तो अपनी जिंदगी 4 बार अंग्रेजों के लिए दांव पे लगाई, एम्पायर के लिए।
और वो ऊपर लिखते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू इन माई हम्बल ओपिनियन, नो इंडियन हैज कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट मोर देन आई हैव फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ 29 ईयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ। महात्मा गांधी लिख रहे हैं, किसी भारतीय ने इतना आपके लिए नहीं किया होगा जितना मैंने 29 साल तक किया हुआ। तो क्या इसका मतलब वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, जैसा राहुल गांधी सावरकर के लिए आरोप लगाते हैं? अभी आऊंगा इनके मतलब, मैं अपने मतलब समझाऊंगा, अभी राहुल गांधी वाले मतलब से पूछ रहा हूं। कुछ और चिट्ठियां महात्मा गांधी की दिखाता हूं। भाई अंग्रेजों को लिखा फेथफुल ओबीडियंट सर्वेंट समझ में आया। अब मैं आपको गांधी जी की एक और चिट्ठी दिखाता हूं, ये उन्होंने रूसी राइटर लियो टॉल्स्टॉय को लिखी है। 15 अगस्त 1910 को रूस के मशहूर लेखक विचारक लियो टॉल्स्टॉय को महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी और अंतिम हिस्से में महात्मा गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय के लिए लिखा, योर फेथफुल सर्वेंट एमके गांधी। अंग्रेजों का तो छोड़िए, राहुल गांधी की परिभाषा के मुताबिक तो कोई पूछेगा कि क्या गांधी जी रूसी लेखक के भी सर्वेंट थे क्या, उनके भी नौकर थे क्या? राहुल गांधी जी की परिभाषा से तो प्रश्न यही उठेगा। लेकिन अभी मैं समझाऊंगा किसका मतलब। और इतना छोड़िए, अगर किसी का मन महात्मा गांधी की चिट्ठियां देखकर भी ना भरे, क्योंकि हम पाठशाला में बहुत डीप रिसर्च करके लाते हैं। अब आपको दिखाता हूं कि अकेले महात्मा गांधी अपने लेटर्स में योर फेथफुल सर्वेंट या ओबीडियंट सर्वेंट नहीं लिख रहे थे, दुनिया के बड़े बड़े राजनेता भी इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो चिट्ठी अब आपके सामने है, ये अब्राहम लिंकन ने लिखी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, इनका एक लेटर है 6 अप्रैल 1859 का, अमेरिका की संसद के एक सदस्य हेनरी एल पियर्स को लिख रहे हैं। और इसमें लिंकन, अब्राहम लिंकन आखिर में क्या लिखते हैं, यहां जूम करके दिखाइए, योर ओबीडियंट सर्वेंट अब्राहम लिंकन। 6 अप्रैल 1859 हेनरी पियर्स को लिखा गया है। अब बताइए, क्या अब्राहम लिंकन भी गुलाम बने रहना चाहते थे, नौकर बने रहना चाहते थे राहुल गांधी की परिभाषा के मुताबिक? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका की संसद के सदस्य का नौकर हो गया क्या अगर ये लिख दिया तो? इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी की परिभाषा भूल जाइए। अब मैं आपको अपनी परिभाषा से समझाता हूं। ये जो लाइन आप पढ़ रहे हैं, योर ओबीडियंट सर्वेंट अब्राहम लिंकन, योर ओबीडियंट सर्वेंट एम के गांधी, योर ओबीडियंट सर्वेंट सावरकर, दरअसल ये उस दौर की भाषा थी जिसे सामने वाले के सम्मान को बनाए रखते हुए इस तरह की शालीन भाषा में लिखा जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। कितना भी विरोध हो, नाराजगी हो, लेकिन पत्र लिखते समय शालीनता और भाषा की मर्यादा को बनाकर रखा जाता। तो अगर वीर सावरकर के बारे में कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम रिसर्च तो ढंग से की लाइए, क्योंकि यहां तो महात्मा गांधी जी की चिट्ठियां कुछ और ही कह रही। हमारी परिभाषा से महात्मा गांधी जी किसी के नौकर नहीं थे, हमारी परिभाषा से लिंकन भी किसी के नौकर नहीं थे, और हमारी परिभाषा से वीर सावरकर भी किसी के नौकर। अब आपको महात्मा गांधी जी का एक और लेटर दिखाता हूं जो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को लिखा था। जरा इस लेटर के कुछ हिस्से पढ़िए। योर एक्सेलेंसी, एज वन हु हैज एंजॉयड अ सर्टन मेजर ऑफ योर एक्सेलेंसीज कॉन्फिडेंस एंड एज वन हु क्लेम्स टू बी अ, ये यहां पर शब्द छिप गया कि मतलब मैं आपके लिए समर्पित रहा हूं। और ये पूरी, ये एक एक आपको 6 लाइन का पैरा दिखा रहा हूं। इस 6 लाइन में योर एक्सेलेंसी नंबर 1, योर एक्सेलेंसी 2, योर एक्सेलेंसी 3, योर एक्सेलेंसी 4, 6 लाइन के इस पत्र में, पत्र तो थोड़ा लंबा है लेकिन 6 लाइन के एक पैराग्राफ में गांधी जी 4 बार योर एक्सेलेंसी लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अंग्रेजों के आगे झुक गए थे? क्योंकि बताने वाला तो यही बता देगा, भैया 4 बार बताइए, 6 लाइन में 4 बार गांधी जी योर एक्सेलेंसी लिख रहे हैं। लेकिन जरा ऊपर पढ़िए, वी हैव लॉस्ट फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस। ये चिट्ठी गांधी जी लिख रहे थे ये बताने के लिए कि हमारा ब्रिटिश साम्राज्य में विश्वास खत्म हो गया है। तो अपनी बात कह रहे थे लेकिन कहने का तरीका यह था कि योर एक्सेलेंसी कह रहे थे। यही चिट्ठी अगर मिल जाए सावरकर की तो कहेंगे देखो कैसे घुटने पे गिरा हुआ।